एक एक बात मैं आप लोगों को मसी की बताऊं क्योंकि मैं सर मेरे अंदर एक चीज़ है ना कि मैं कभी भी पॉडकास्ट सेशन को स्क्रिप्टेड लेकर नहीं जाना चाहता तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं आज एक चीज़ ने मुझे बड़ा हैरान किया है आपके बारे में और वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यही पूछ रूँ ऑफ द कैमरा ना पूछूँ तो वो ये कि अभी हमने सेशन किया कोई एक घंटे का सेशन पूरा हुआ राइट और एक घंटे के सेशन में जब हमने देखा बाद में जाकर तो आधे घंटे का सेशन ही गायब था और वो स्टार्ट का गायब था तो इस वजह के हमने ग्रीटिंग्स वगैरह सेशन दोबारा लेकिन सर सर मैंने आपके चेहरे पर एक शिकन, एक बल माथे पे नहीं देखा क्यों ये ये क्या सर? ये क्या चीज़ कैसे मतलब आ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा मतलब के है, के अंदर में, me, यार दिमाग खराब हो गया आपका आप दोबारा शूट करेंगे तो अरे देखो इसमें होनाहार बच्चा है हमारा तो बच्चा ही है ऐसी <laughs> तो तुम तो तो इसमें इसमें चीज नहीं और अच्छा ये तो काम तुम अच्छा कर रहे हो अच्छे काम में तो सबको आगे बढ़ के हिस्सा लेना एक बात ने मुझे बड़ा हैरान किया सर का सर की बात ने सर ने कहा उत्तम अ मेंटोर सर के भी मेंटोर हैं कोई मतलब हम खुद शॉक्ड में इस बात को सुनने के बाद कि आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी आई मीन डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी उसके बावजूद भी आपके भी मेंटोर हैं सर हाँ हाँ बिल्कुल है देखिए मेंटोर कौन होता है somebody that you look up to आप जिसको आइडियलाइज करते हैं कि जैसे ये अपनी जिंदगी गुजार रहा है जिस तरीके से चीजों को देखता है जैसे सोचता है जो उसका जिंदगी के बारे में गुजारने का فلسفه है राइट Uh, उसकी पब्लिक लाइफ कैसे होगी उसकी पर्सनल लाइफ कैसे होगी right. uh, आप किसी को देखते हैं और बहुत करीब से देखते हैं तो आप आप कोशिश करते हैं कि उससे कुछ चीज़ें सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में मेरे भी मैंटोर है डॉक्टर वसीम काजी प्रेजिडेंट एकरा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर एंड प्रेजिडेंट ऑफ एकरा यूनिवर्सिटी ही हैज़ बीन माय मैटोर फॉर द लास्ट वॉट टेन फिफ्टीन ईयर्स नाउ एंड आई लुक अप टू हिम एंड

मार्केट में आपको मार मेंटोर मिल रहे हो और आप पे एंड चूज कर लें मेंटोर इट्स नॉट बड़ा बड़ा okay. ये खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको मेंटोर मिल जाते हैं so. और सही वक्त पे और अच्छे वक्त में उनको एक मेंटोर मेंटोर कैन बी योर फादर लाइक यू नो अगर आप okay. मैं आपसे पूछूं तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ योर फादर इन यू एग्जैक्टली हर शख्स का एक सुपरमैन जो पहला मेंटर होता है वो उसके फादर या मदर या एल्डर ब्रदर आप उसको टाइम आप टीन से पहुंचते हैं आप फिर और जब आपकी इंटरेक्शन बढ़ती हैं आपके इस होते हैं आपके बड़े कजन या आपके अंकल्स खालू चाचा ताया मामू यू you नो know, ये इट कुड बी फीमेल्स अगर फीमेल तो दे गो फॉर देयर फीमेल इट कुड बी क्रॉस एज वेल के मेल लुकिंग अप टू देयर फीमेल और फीमेल लुकिंग अप टू देयर और टू देयर मेल तो आप खुद ही तलाश कर रहे होते हैं खुद ही आपको मिल जाता है तो कोई ऐसा नहीं होता कि आप डिजिंगनेट करते हैं कि ये शख्स मेरा मैंटोर है right. और ये शख्स मेरा आप लेकिन आप कोशिश करें कि जिससे आप इंस्पायर हैं जिससे आपको अच्छा लगता है उसका सोचने का अंदाज़ उसका उठना बैठना जिंदगी गुजारने का अंदाज़ जो आपको अच्छा लगता है आप उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें उनके साथ आप खुलें उनके साथ अपनी शेयरिंग करें अपने इमोशनल बैंक अकाउंट खोलें Um, आपको खुद ही एक केमिस्ट्री एक बॉन्डिंग मिल जाती है कि यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट इंडिविजुअल इट कुड बी योर बॉस इट बी योर टीचर इट कुड बी एनी वन दैट यू कम अक्रॉस यू नो तो कोई भी हो सकता है आपका तो कोशिश कीजिए तलाश में रहिए कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा डोंट स्टॉप कीप लुकिंग यू विल फाइंड सम इन यूर लाइफ दैट यू रियली थिंक यू कैन बी अ गुड मैं टू सो मैनी यंगस्टर्स लाइक यू नो

लेकिन बस वो कहते हैं ना कि आपकी जो फिक्र माश होती है वो फिर आपको कहाँ से कहा लेके चली जाती है स यू हैव टू पुट फूड ऑन दबल एंड यू हैव टू पे दिल्स एंड अदर तो आपको फिर लेकिन आई थिंकुड लेकिन अभी भी एक ख्वाहिश जो है आ, जो जो मैं तुमसे इंस्परेशन लेता हूँ वो ये किन लाइक यू नो मुलाजमत तो कर ली अच्छी मुलाजमत कर ली hmm. सरकारी भी कर ली प्राइवेट भी कर ली दरसो तदरीस भी कर ली अब कुछ अपना सेटअप कुछ अपना काम कुछ अपना ऑन्टप्रेनोरल काम कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसको आप आप लेगेसी के तौर पे पीछे छोड़ें पीछे जाने वालों के लिए छोड़ें अपने नाम तो एक ये एक, एक मेरा ख्याल एक एक ख्वाहिश है जो कि अल्लाह ने चाहा और आप जैसे दोस्तों की मदद रही <laughs> तो ज़रूर होगा इन शो अकम्पलिश करेंगे राइट अच्छा सर मुझे एक बात बताएं कि यूजुअली अब अब मैं कुछ तर्क सवाल करने लगा हमारे यहाँ पर हजारों की तादाद में एम निकलते हैं पी निकलते हैं बी निकलते हैं लेकिन ये सब निकलने के बाद देर जॉब तो फिर ये कौन सी जो बिजनेस की डिग्री ली थी कि उसके बाद वो आ, मतलब बिजनेस में चले ऑन्टर ना बने इंटरप्रियोर ही बन जाए और उसके बेसिस पर उन्हें सैलरी मिल जाए एंड दैट्स इट तो क्या कोई सिस्टम में कोई है मतलब कमी आपको लगता है ऐसा हाँ कमी तो है ना देखो अब अब मुल्क हालात जो है ऐसे हैं नहीं कि कोई फौरी तौर पे कारोबार कर सके फिर आ, हमारे यहाँ मेरा ख़्याल है हम एज अ सोसाइटी जो है वो एक रिस्क एवर्स सोसाइटी है रिस्क टेकर नहीं है मतलब मैं अपनी बात करूंगा तो कभी भी हमारे घर में हमें ये मोटिवेशन नहीं मिली अप्रिसन नहीं मिली के आप कारोबार करें यस देर आर सर्टन कम्युनिटीज कराची में ही कम्युनिटीज हैं मेमन कम्युनिटी है पंजाब में अगर आप जाए शेख कम्युनिटी है माइंड सेट uh, के साथ कि अपना कारोबार करना मुलाजमत को मुनासिब न समझते तो मेरा ख़्याल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी एक बड़ा एक इसमें अमल दखल है कि वो एक 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 रन ऑफ द मिल के ग्रेजुएशन करो फिर नौकरी करो और फिर उसको उसी साइकिल को फिर जब आप मुलाजमत में आ जाते हैं और दो चार पाँच साल या दस साल गुजार लेते हैं तो आप थोड़े से बुजदिल हो जाते हैं आप आप अच्छा। एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि यार पहली तारीख को आ रहा है ना जो भी आ रहा है अकाउंट <laughs> हैज हाँ, पहली तारीख को आ रहा है कारोबार में तो ऐसा नहीं है हाँ, शुरू के आप समझते हैं महीने साल ज्यादा पीरियड हाँ. एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है exactly. और नौकरी में आपको डे वन से पहली तारीख को आप एक फिक्स अमाउंट आना शुरू हो जाती है तो पीपल स्टार्ट टू गेट इनटू दैट कंफर्ट जोन है आ, पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले चंद सालों में बड़ी तेजी से स्पिरिट और जेन जी जी। और जें, जी। वो अपने और इनके ऊपर काम कर रहे हैं दुआ करें मुल्क के हालात जल्द जल्द बेहतर हो ताकि ज्यादा इनकी तादाद बढ़े और कामयाब भी हों इसमें सर माशा से आ, आप सबसे पहले तो अपनी डिग्री गिनाते हमें बता दें क्या क्या कर रहे हैं <laughs> क्योंकि अभी आपने अभी आपने एक एक नया इंकशाफ कर दिया कि आपने कर रखा है सर

डिप्लोमा करते रहे छोटे छोटे फिर वहीं पे रहते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक डेलीगेशन गया था यंग ऑफिसर्स का यंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स का टू तो जापान ये जापानी हुकूमत थी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जी के अंडर ऑफ जी आयका जापान गए वहाँ पे हमने कुछ टाइम गुजारा गुड गवर्नेंस का हमने वहाँ पे काम सीखा वहाँ पे कैसे करते हैं फिर वापस आए फिर दोबारा

इस दौरान मेरी आई कैप में मुलाजमत हो गई वहाँ चला गया लेकिन फिर मैंने eventually अपनी पी एच डी जो है वो आई कैप में रहते हुए अपनी पी एच डी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरा थीसिस के ऊपर है। right. सर, एक एक बात जो है वो मेरा भी मानना है आ, आपने हमारा जो सेकेंड लास्ट सेशन देखा होगा जिसमें मैं अपने बैचमेट के साथ बैठा हुआ हूँ औरंगजेब खान सर आपका स्टूडेंट एंड uh, वो जियो इंटरनेशनल का वाइस प्रेसिडेंट है आजकल माशाल्लाह से तो हमने फिर वो ऑफ द कैमरा आपकी बातें की तो उनका यार मतलब वो वो बंदा था <laughs> <laughs> मतलब आपके बारे में तो सर फिर आपका एक्सपोजर जापान का और फिर यू का भी रहा है तो वट आई कॉल आई मीन दैट यू आर एन इंटलेक्चुअल तो सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक मतलब एक जनरल क्वेश्चन है क्या अगर आपके को एक जो है सिस्टम सुधारने का मौका मिल जाए पाकिस्तान की तो सबसे पहले किस चीज पर आप हार ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कोट है मुझे याद आ गई आपकी इस बात पे 1951 में या 50s में उन्होंने ये बात की थी एंड आई कोट अंग्रेजी में है फिर उर्दू में तर्जमा भी कर लेंगे उसका उन्होंने कहा था एंड आई कोट पॉपुलेशन कंट्रोल कैन नॉट सॉल्व आर प्रॉब्लम्स राइट बट आर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट आउट पॉपुलेशन कंट्रोल राइट तो हो सकता है कि इसके ऊपर लोग कुछ नाराज हो कि आप जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आ गए लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान 24 करोड़ हर मतलब दुनिया का मेरा ख्याल है टॉप टेन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में है टॉप सेवन के अंदर आता टॉप तो 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 सेवन तो में, तो में तो आ गया तो लीजिए अब आप बताइए अनप्रिटिस हूँ टॉप फाइव में आ जाएगा फिर ये आ जाएगा फिर इस तरीके से तो मेरा ख्याल है पॉपुलेशन कंट्रोल अब इसके ऊपर आप काउंटर आर्गुमेंट देंगे मुझे चाइना और इंडिया चाइना इंडिया यूएस देखिए चाइना चाइल्ड पॉलिसी अगर आप नाइन्टीज में जाएंगे तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की right. फिर अब शायद वो चाइल्ड पॉलिसी आ गई है चाइना की और उन्होंने इजाजत दी उन्होंने देखा कि उनको कितनी पॉपुलेशन फिर इंडिया इंडिया में फिर आप अगर देखें तो वहाँ पे जो लीडरशिप ऐसी आई उन्होंने कहा कि एक ग्लूमी सिचुएशन थी वहाँ पे नाइनटीज में कि हम एक अरब लोग हैं हम कैसे तरक्की कर सकते हैं तो वहां की लीडरशिप ने उनका थॉट प्रोसेस चेंज किया उसने कहा हम एक अरब लोग हैं हमें तरक्की से कौन रोक सकता है अब देखिए वहां पे फिर वो लीडरशिप ने कहा कि हमारे पास वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है वो है लोग आबादी ये दुनिया में चाइना के पास इन लाइक नाइन में बिफोर उस वक्त चाइना अ इकॉनमी तो वहां से फिर उन्होंने अपना पलटा दिया उन्होंने कहा कि हम एक अरब लोग हैं हमारे पास hmm. मैन पावर है हम इसको स्किल करेंगे तो आप 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 लेकिन आप स्किल मैन पावर के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं hmm. आप इसके ऊपर देखिए देखिए ना हुनर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है अभी हुनर के ऊपर हमने बात भी थी तो सेहत और हुनर के ऊपर तो हुनर दें आप लोगों को स्किल मैन पावर बनाए खुशी होती है जब यंगस्टर्स जो हैं आप जैसे स्किल मैन प्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को तो यही हमें काम करना चाहिए हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि कुछ उजागर तो करें दरसो तदरीस से वाबस्ता लेकर फाइन अच्छा वियर्स आज इसी क्वेश्चन के साथ जो है मैं आ, सेशन को बड़े ही बेदिल के साथ एंड करने पर आ रहा हूँ क्योंकि दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा वो आ, हमारी अंग्रेजी में सर एक वर्ड है वो कहते हैं कि लिव यू एंड लव यू मतलब चाह तो नहीं रहा दिल जाने का लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि सर का भी हमने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है और आ, आ, कुछ चीज़ें अगर रह भी गई होंगी कुछ तश्नगी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं इन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि सर हमारी पकड़ में आ जाए बिल्कुल सर एट लास्ट ऑफ दिस यंगस्टर के लिए जो कि अट्ठारह साल से लेकर पच्चीस साल की या तीस साल की उम्र तक में उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे अच्छा देखिए मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा पहले तो आ, सब लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए प्रोफेशनल ग्रूमिंग होनी चाहिए बिल्कुल पर्सनालिटी प्रोफेशनल ग्रूमिंग दोनों चीजें जरूरी है प्रोफेशनल यंगस्टर्स को चाहिए कि वो आगे बढ़े एक चीज़ जिसके ऊपर हमारी शायद यूनिवर्सिटीज भी तवज्जो नहीं देती पूरी दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी तवज्जो नहीं देती फॉर देट मैटर वो है कैरेक्टर बिल्डिंग अब आप मुझे बताइए अदनान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको इसकी तदरीस देती है कि हमेशा सच बोलो हाँ। मुनाफिकत ना करो पड़ोसी का हक ना मारो मतलब किसी की दिल आजारी ना करो ये ये किरदार तो की है, है, है किरदार तो, तो, तो मैं तमाम यंगस्टर्स को चाहूंगा कि अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर तोज्जो दीजिए पहली चीज तो कैरेक्टर सच बोलने की कोशिश कीजिए आदतन झूठ जो बोलते हैं हम लोग वो बड़ों की अदब कीजिए उस की अदब एहतराम कीजिए ना कीजिए दूसरों की मतलब इस तरह की चीज़ों से ज़रा सा आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तो पहली तो मैं दूँगा कैरेक्टर फिर दूसरी मैं आपको मशवरा दूँगा अपनी पर्सनैलिटी ग्रोमिंग के लिए राइट right. पहले कैरेक्टर ग्रूमिंग दूसरा पर्सनालिटी ग्रूमिंग अच्छा कोशिश कीजिए कि अपना अपना मतला जारी रखें आ, पढ़ें सीखें क्रिटिकल माइंडसेट बनाएं, चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करें तफक्कुर करें थोड़ा सा सोचें हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें आ, अपनी ख़ुद पर्सनालिटी ग्रोमिंग करें इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाएं, लोगों से कैसे मिलना है कैसे बात करनी है उठना बैठना किस वक्त कहाँ पे क्या किस से कैसे बात करनी है ये सीखिए ये पर्सनैलिटी ग्रोमिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है तो, uh, सवाल ये है कि ये सब करवाए कौन यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स आपको लगता है कि ये आ, जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं अच्छा देखिए इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ एक चीज़ कहलाती है जो कि बहुत कॉमन है वो है सोशल लर्निंग सोशल लर्निंग राइट सोशल लर्निंग ये तो आपके हाथ में है ना दोस्त ये कैसे आपके हाथ में सोशल लर्निंग कहती है कि आप सोशलाइज करें लोगों से मिलें उठें बैठें और हर एक की अच्छी अच्छी आदत को अपनाने की अपनाने कोशिश, करें। कोशिश करें अब यहाँ पे आपको किसी यूनिवर्सिटी किसी टीचर की जरूरत है नहीं आप लोगों के साथ मैं आपके साथ बैठा हूँ आपसे मैंने चार चीजें सीख ली आपको पता भी नहीं मैं किसी के साथ बैठूंगा उसके से मैंने चार चीजें अच्छी सीख ली सिर्फ सीखी नहीं मैंने उसको इंटरनालाइज की और कोशिश की कि उसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी में उसके ऊपर अमल करूँ कि कैसे बोलना है हाउ टू हाउ टू व्यू द वर्ल्ड हाउ टू थिंक हाउ टू कह माई सेल्फ पब्लिकली चीजें तो इसमें आप बताइए अब आपको चाहिए क्या? क्या आपको स्पून फीडिंग चाहिए? ये करनी पड़ेगी और ये तो अंदर से, से कॉलेज कोई टीचर कोई कुछ नहीं चाहिए ये अंदर से आपको सीखें 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 तीसरी चीज देखिए पहले हमने कैरेक्टर की बात कर ली पर्सनैलिटी की बात कर ली अब जो मुश्किल और आसान दोनों काम मैं बोलूंगा वो है प्रोफेशनल स्किल्स प्रोफेशनल हाँ कि बात है कुछ पेशा भी तो अपनाना है कुछ कमाना भी तो है बड़ा आसान है कि जो अच्छा लगता है वो करो भाई कुछ लगता ही नहीं है कुछ अच्छा हर चीज में बस हमें तो अब कंफ्यूज लोग हैं तो इसमें स्टीव जॉब्स का कमेंटमेंट एड्रेस है जो उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2007 में दिया था वो कहता है नाई कोर्ट

मुझे देर से पता चला कि आई एम मिस फिट इन गवर्नमेंट सेक्टर मुझे right. देर में पता चला कि मैं एक आई हैव बीन गुड लॉयर लेकिन मुझे अभी भी खुशी है कि मैं मैं समझता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे बोलना अच्छा लगता है right. आ, मुझे चाहता हूँ कि लोग मुझे सुनें अल्लाह ने मुझे इनडायरेक्टली मुझे उस पेशे से भी वाबस्ता रखा कि दरसो तदरीस के मैं बोलता हूँ और लोग सुनते हैं

और सर की ऑलमोस्ट सारी फैमिली जो है वो बाहर गई हुई है और इसके बावजूद सर हमारे साथ बैठे हैं तो सर एक तो मतलब इस स्टेज पे आने के बाद तक ऐसा नहीं कि मैं मैंने कोई पहला पी एच डी और भी पी एच डी कुछ आई एम सॉरी फॉर माई वर्ल्ड लेकिन कुछ लोग इगोइस्टिक टाइप के हो जाते है पे। हैं उस पर इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें नहीं देखने को मिली मोहब्बत है आपका उसरे नजर है मैं क्या कह सकता हूँ मतलब ये कि हम आने से पहले भी नहीं डर रहे थे एंड वी वर नॉट कंफर्टेबल कि जो है ना वो पता नहीं, नहीं सही सवाल होंगे कि नहीं होंगे हाँ। तो इसके साथ ही व्यूअर्स जो है आज का सेशन हम खत्म करते हैं और आप लोगों को एक और बात बताता चलू मैं कि सर के साथ सेशन तो अगला हमारा होना ही है कोई सवाल हो तो बता देना क्योंकि ये सेशन मैंने ही नहीं मेरी टीम ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और पसंद ही बहुत सारी लर्निंग हुई हमें जैसे हम यूनिवर्सिटी में सीखा करते थे इसी के साथ डॉक्टर सलमान अब्बासी और अद्नानंदर को इजाजत दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज